कोरोना महामारी के मद्देनजर जहां केंद्र सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों स्कूल कॉलेजों को बंद कराने का निर्देश दे दिया है, वहीं राज्य सरकार के आंगनबाड़ी केंद्र जहां 2 साल से 5 साल के बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं आज भी खुले हैं। इन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाएं धात्री माताएं मातृत्व लाभ लेने के लिए जाती हैं। उन्हें ये पता नहीं कि कोरोना कितनी तेजी से भयावह रूप ले रहा है। इसके बावजूद विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन पर रोक न लगाना कोरोना को आमंत्रित करने जैसा है। बच्चों और ग्रामीण महिलाओं के द्वारा लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों में जाना कोरोना के संक्रमण को बढ़ा सकता है। भाजपा पिछड़ा जाति मोर्चा के घाटो मंडल अध्यक्ष विश्वनाथ महतो ने इस बाबत BDO मांडू को दूरभाष पर सूचना देकर आंगनबाड़ी संचालन पर रोक लगाने के मांग किया तो BDO ने कहा कि संबंधित अधिकारी से बात कीजिए। मैंने तुरंत CDPO पूनम कुमारी से बात किया। उन्होंने कहा कि जब तक उच्च अधिकारियों का आदेश नहीं आता मैं कुछ नहीं कर सकती। यही बात लइयो आंगनबाड़ी क्षेत्र की पर्यवेक्षिका मनीषा कुमारी ने भी कहा। विभाग के इस लापरवाही रवैये से आंगनबाड़ी के पोषक क्षेत्र के लोगों में भी कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका प्रतीत हो रहा है। सरकार और जिला प्रशासन से आग्रह है कि स्कूल कॉलेजों की तरह बच्चों के आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद कराया जाए। लइयो से बिमलेश भारती की रिपोर्ट।